बिजनेस मॉल जो कि है द्वारका का सेक्टर 14 में। तो फाउंटेन से मॉल की एंट्री जैसे थिएटर में होता है ना ऐसा लग रहा है ऊपर से, तो और नीचे देखोगे तो ये फूड कोर्ट है। 150 रुपये की टिकट लो और एक घंटा अपने आराम से एंजॉय करो। बोटल्स में रिंग्स डालनी पड़ती है, इसका प्राइस है 150 रुपीज। एंड ऑफ कॉमेडियंस है जो उनका शोज वगैरह होते हैं। यहाँ का PVR की एंट्री वेगस मॉल की देख सकते हो कितना बड़ा है, और यहीं से ही कार की पार्किंग है। ये सारी पार्क हो रही है कार, और बाहर देख सकते हो ये हल्दीराम वगैरह है, लुक्स का सलून भी है ऊपर भी है, चौकी वगैरह, और ये पूरी बिल्डिंग्स है। तो अभी चलते हैं अंदर और फिर दिखाते हैं। यहाँ पे ऐसे आर्टिकल्स रखे हुए हैं, ये देखो वहाँ पे हाथी है छोटे छोटे ऐसे। सो गाइस एंट्री करते ही आपको ये सब देखने को मिलेगा। यहाँ पे है मैकडोनल्ड और क्रोमा है, ब्लू स्टोन्स, लेंसकार्ट सारे, ये कल्याण ज्वेलर्स, ये ऊपर देखो क्रोमा का, और ऊपर है एसुस का शोरूम, यहाँ पर जो कि HP वर्ल्ड, यहाँ से ये बाहर का व्यू है और देख सकते हो शुगर स्पाइस, यहाँ देखो ये दिखा भी बस आउटडोर में यही है बस। और यहाँ पर ये फाउंटेन वगैरह है, ये देखो यहाँ पर फाउंटेन है, काफ़ी लोग आए हैं बहुत, मेरे को तो भीड़ लग रही है काफ़ी, संडे का दिन आज, और देख सकते हो भीड़ बाहर इतनी भीड़ है तो अंदर कितनी होगी। तो अंदर चलते हैं, अब करते हैं अंदर एक्सप्लोर। सो हे गाइस इट्स मी कॉम सिंह, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज मैं आई हूँ द्वारका सेक्टर 14 वेगस मॉल, और ये पीछे मॉल है, मैंने एंट्री कर ली है। तो आज मैं करने वाली हूँ एक्सप्लोर पूरा मॉल, तो वीडियो में बने रहना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो करते हैं वीडियो का स्टार्ट। होगा यहाँ पे टिम होटल्स देखने को मिल जाएगा आपको, और निरुलाज भी है, और ये है वेगस मॉल की एंट्री। ये न्यू ईयर का डेकोरेशन वेगस मॉल की, और ये देखो ऐसा है कुछ बाहर से। ये न्यू ईयर की डेकोरेशन की हुई है, देख सकते हो काफ़ी मस्त है यहाँ पे, ये क्रिसमस और न्यू ईयर की दोनों की डेकोरेशन है। देख सकते हो कितनी भीड़ हो रही है अभी से ही, यहाँ पे फोटोज क्लिक करा रहे हैं इसके साथ। तो अभी चलते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। और यहाँ पे है मैक ब्यूटी प्रोडक्ट्स दुबई अरेबिया, और ग्राउंड फ्लोर पर आपको ये वेरमोडा और ओनली मैंगो, ये सारे ब्रांड्स देखने को मिल जाएगी। शॉपिंग के लिए यहाँ पे आ सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, सेल भी है यहाँ पे 50%। और इस साइड है फॉर एवर न्यू टिम होटल्स, दोस्त अमानते किको। तो फर्स्ट फ्लोर पे आपको एलिन शोली, एरो, ब्लैकबेरी और या प्यूमा, ये सारे आपको यहाँ पे शॉपिंग ब्रांड्स देखने को मिल जाएगी शॉपिंग के लिए। डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छी हो रखी है यहाँ पे, और यहाँ पे है वेनुसन, और यहाँ फन सिटी भी है यहाँ पे,
ये एक्टिव वेयर है यहाँ पे। गाइस ये एप्पल स्टोर, सेलियो, काफी सारे यहाँ पे स्टोर्स हैं। तो मैं दिखा देती हूँ, ये फीला का है, ये एसिस का है। मुझे लगा दे वो फर्स्ट फ्लोर पे ही आपको एडिडास भी मिल जाएगा, फ्लाइंग मशीन, जोन, जैकोब्स, गुड्स। भी चलते हैं सेकंड फ्लोर पे, तो वहाँ पे देखते हैं क्या क्या है, शायद फूड कोर्ट है वहाँ पे, वहाँ चलते हैं अभी वो दिखाते हैं। चलो तो यहाँ पे सैमसंग का भी है स्टोर, तो ऊपर चलते हैं अभी। यहाँ पे देखते हैं एस्केलेटर पे भी लाइटिंग है, जिवामी, ये सारे लेडीज के आ गए अब, बॉम्बे एंड्स, सॉरी बस देख सकते हो, एलिन शोली है, वैनुसैन है, यहाँ पे लेडीज का है सारा सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे सारा ये लेडीज का है देख सकते हो। और फर्स्ट फ्लोर है उस पर जेंट्स का है, और नीचे ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट की सेकंड, और यहाँ पे जीवा सारा ही है, मीना बाजार है यहाँ पे, मतलब काफ़ी सारे स्टोर देखने को मिल जाएंगे आपको, कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, सब कुछ सारे ब्रांड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलते हैं, पेंटालूंस भी दिख रहा है सामने, यहाँ पे टाइटन की वॉचेस, बाटा फुटवेयर्स, एडिडास, यहाँ पे चुंबक। तो यहाँ पे जो भी आप देख रहे हो सेकंड फ्लोर पे जितना भी स्टोर्स हैं ज़्यादातर यहाँ पे लेडीज़ का है, लेडीज़ का आइटम है, जैसे तो गीतांजलि सलून सामने देख सकते हो, प्रीति क्रिएशन, और यहाँ पे है बैग्स की, ये है मदामे, सोच, बीबा, सारा लाइफस्टाइल, सारा लेडीज आइटम है यहाँ पे। ये मोची राय फुटवेयर, ये सारा सेक्शन पूरा ये फ्लोर लेडीज का है, और नीचे वाला जेंट्स का है, ऊपर है इसका फूड कोर्ट, तो वहाँ चलते हैं अब। यहाँ पे ब्रिज का भी है, अभी फूड कोर्ट की तरफ चलते हैं, खाते पीते हैं थोड़ा, काफी मस्त है अभी ऊपर। सो गाइस यहाँ का फूड कोर्ट, यहाँ पे आपको सारे आउटलेट्स देखने को मिल जाएंगे, एक्स वाई जेड कुछ भी आप खा सकते हो, देख सकते हो काफ़ी बड़ा है ये, बहुत बड़ा है, भीड़ भी काफ़ी हो रही है। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा खाने के लिए, सबवे, पिज़्ज़ा हट, मैकडी, केएफसी, फूड कोर्ट का एम्बियंस देख सकते हो कैसा यहाँ पे, कितना मस्त बनाया हुआ है ये देखो, ऐसा लग रहा है जैसे थिएटर में होता है ना, ऐसा लग रहा है ऊपर से। तो और नीचे देखोगे तो ये फूड कोर्ट है यहाँ का, ये हल्दीराम है, भीड़ देखो कितनी हो रही है, इतनी भीड़ हो रही है कि जल्दी जल्दी के चक्कर में कच्चे भटूरे ही ले जा रहे हैं लोग। अभी डोसा ऑर्डर किया है वांगो से, देखते हैं ट्राई करके कैसा है वांगो, भीड़ देख सकते हो काफ़ी हो रही है, तो डोसा एंजॉय करते हैं अपना। तो गाइस यहाँ पे कार्निवल गेम, द फन सिंग, बच्चों के मजे हो रहे हैं यहाँ तो फुल मजे, काफी बड़ा है ये भी,
पीछे तक है वहाँ से वहाँ तक। निकल गई होटल्स में, रिंग्स डालनी पड़ती है। इसका प्राइस है 150 रुपीज। रिंग डालनी है बोटल्स में और ये भी सेम है, ये सारे गिराने हैं तब मिलेगा पांडा। तो भाई सब दिखाती हूँ कैसे रिंग्स हैं, इसको बहुत छोटे छोटे हैं। ओ भाई ये रिंग्स कम है, ये तो जाएंगे भी नहीं, ये पूरे कड़े के जितने हैं और इतनी बड़ी बड़ी बोटल्स हैं। ये कहाँ जाएगी इतनी। तो गाइस ये है प्ले गार्डन, इसमें 150 रुपये की टिकट लो और एक घंटा अपने आराम से एंजॉय करो। यहाँ टिकट काउंटर है, यहाँ पे झूले तो गाइस ये है यहाँ का लास्ट फ्लोर, शायद इस पे यहाँ का PVR हो, देखते हैं अभी चल के। ऐसा तो रेस्टोरेंट भी लिखा है, और भी देखते हैं क्या पता PVR भी इधर से ही आए, क्योंकि नीचे तो नहीं था। तो अभी देखते हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट है, सोशल का रेस्टोरेंट है ये। वी टेक जोक्स सीरियसली। यहाँ पे सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं जो उनका शोज वगैरह होते हैं शायद। तो अभी आगे चलते हैं और देखते हैं। ये बारबेक्यू नेशंस काफ़ी लग्जरी बनाया है इन्होंने। बारबेक्यू नेशन कितना मस्त लग रहा है देखो ऊपर देखो। तो यहाँ पे है देखो लाइटिंग वगैरह कितनी मस्त करा रखी है। यहाँ पे ढाबा है तो इनपरफेक्टो, यहाँ पे लाइव म्यूजिक वगैरह होता है। बैंक्वेट काफी मस्त भी हो यहाँ का। और इस साइड है थिएटर, तो अभी चलते हैं थिएटर के। यहाँ का PVR लक्स देख सकते हो, गोल्ड गोल्ड। ये है यहाँ का PVR, काफ़ी मस्त है देखो। सामने से दिखा देती हूँ मैं, ये देखो काफ़ी सारी ऑडियो है। अभी पठान लगने वाली है, कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का। यहाँ पे देख सकते हो कितनी सारी पेंटिंग्स वगैरह बनाई हुई है। लास वेगास, हॉलीवुड, काफ़ी मस्त। और ऊपर है PVR देखो, फोटोज़ के लिए ये सब रखा हुआ उन्होंने, फ़ोटोज़ क्लिक कराओ इसके साथ, काफ़ी मस्त है। और काफ़ी भीड़ भी है यहाँ पे। आपने गुड़गांव का एम्बियंस तो देखा होगा, मतलब उससे भी अच्छा है, मुझे उससे भी अच्छा लगा ये। तो आप आना एक बार ज़रूर। काफ़ी मस्त है, अलग ही लुक है इस मॉल का।
काफी लग्जरी सा लग्जरी लुक है। तो यहाँ पे बैग वगैरह ऐड करा सकते हो अगर आप पीवीआर में जा रहे हो तो। ये है पीवीआर की टिकट्स काउंटर, यहाँ से आप टिकट्स ले सकते हो। और यहाँ पे आईमैक्स थिएटर है, ये भी है सिनेमा पठान, अब सब पठान देखने आएंगे। काफ़ी मस्त है, काफ़ी अच्छा मॉल है, मतलब सबसे अच्छा मॉल मैंने यही देखा है। ऊपर हैमलेस है, इतना ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ का। लाइटिंग देख सकते हो, लाइटिंग में तो कोई कमी नहीं रखी इन्होंने, काफी लाइटिंग है। सो गाइज ये वीडियो यहीं तक थी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और कोई जगह सजेस्ट करनी हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। तो सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।